अस्सलाम वालेकुम मेरे भरावन दोस्तों अजीज़ों, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। मैं आपको आज एक ऐसी वीडियो दिखा रहा हूँ, आप देखकर बहुत खुश होंगे। और मैं अपने हालात घर के मकान दिखा रहा हूँ। कच्चा मकान है, ईंटों का नहीं है, कच्ची मिट्टी का बना हुआ है। जब बारिश लाती है तो गिर जाता है, तो अंदर पानी भी दाखिल हो जाता है उसकी छत में। आपको मैं दिखाता हूँ, आपको बहुत देख कर अफसोस होगा। मेरे भाइयों, ये मेरा कच्चा मकान है, कच्ची मिट्टी का बना हुआ है और इसकी छत नहीं, इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। मैं बंदा गरीब हूँ, अमीर तरीन नहीं हूँ, इतनी गुंजाइश नहीं, इतना पैसा नहीं, गुरबत डांग है, लेकिन महंगाई इतनी है कि घर का सरकस ही पूरा नहीं होता। ये मैं आपको दिखाता हूँ, जब बारिश आती है कि अंदर पानी दाखिल हो जाता है, दाखिल हो जाता है। ये मकान है, इसकी छत नहीं है, इसकी मकान की छत नहीं है। ये बारिश आती है तो पानी अंदर चला जाता है, इसने गुंजाइश नहीं इसकी छत बनाने की। ये अंदर मिट्टी है, ये चार दीवारी, ये पानी खड़ा है, ये पानी खड़ा है, ये पानी है, आपको दिखा रहा हूँ। और इसके बाद मैं आपको इसका बाला, ये बार कच्ची मिट्टी का बना हुआ है। एक ये मकान है, ये ढह गया है, यही है दूसरा मकान। ये जब बारिश आती है तो गिर जाते हैं और मिट्टी भरती रहती है, इतनी गुंजाइश नहीं कि इसको उसारने की उपाय। हम ईंटें खरीद कर दोबारा हो कोई पक्का मकान पा लें। बड़ा मेहरबानी मेरी हेल्प की करो, मैं इस वजह से यूट्यूब पर वीडियो चढ़ींदा पियाँ। बड़ा मेहरबानी हो सी, ये मेरे ये जुग्गी है, इसके को हम गुजारा करते हैं। और बारिश आती है, आज बहुत बारिश आई हुई है, लेकिन सुबह से टाइम ज़्यादा हो गया, 5-6 घंटे बारिश लती है। रोज़ाना यो कार होती है। ये देखे मकान के छत के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। ये कुछ ईंटें पड़ी हैं, कुछ ईंटें खरीदनी है। ये अंदर पानी खड़ा है, पानी ये खाली है। बड़ा मेहरबानी कीजिए, मेरी हेल्प कीजिए और मेरी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अगर शेयर कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए, आपकी मेहरबानी होगी। इसके बाद मैं आपको और भी हालात दिखाऊँगा। ये मेरे हालात हैं, आप बड़ा मेहरबानी मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और मुझ पर मेहरबानी कीजिए और मेरी हेल्प कीजिए। मेरा शहर गांव है, आदि सरगर शहर गांव है, कच्ची मिट्टी के मकान बने हुए हैं और ईंटों के होते हैं, लेकिन अमीर लोगों के होते हैं, गरीब के नहीं होते। हम गरीब लोग हैं, अमीर नहीं हैं, इसलिए कि मैं अपनी वीडियो यूट्यूब पर भेज रहा हूँ। और बड़ा मेहरबानी मेरी हेल्प कीजिए और मेरी हौसला अफजाई कीजिए, आपकी बड़ा मेहरबानी होगी। और इसके बाद मैं आपको पानी भी दिखाता हूँ जो रोड पर और मेरे घर के सामने खड़ा है, तो आपको यकीन आएगा कि इतनी बारिश आती है कि हम बहुत परेशान होते हैं और बैठने के लिए हमारी जगह नहीं होती और मकान नहीं है। मेहरबानी होगी आप मेरी हेल्प के लिए, मैं आपको और भी दिखाता हूँ। इतने भाई ज़्यादातर वह कच्चे कद्दे होती हैं, मिट्टी की, कच्ची मिट्टी की होती हैं। ये देख लें, कच्ची मिट्टी की कद्दे होती हैं, पक्की कम होती हैं। ये कच्ची मिट्टी की कद्दे हैं, ये जब बारिश आती है तो गिर जाती हैं और कितने हालात बहुत होते हैं। ये भाई ये कांध बार गिरी हुई है, रास्ते पर है, ये फटी फूटी है, इतनी गुंजाइश नहीं कि मन पक्की हम पा लें और उसार लें। ये इतनी बारिश है, ये आपके सामने बारिश का पानी है, ये रोड पर है सड़क। ओ ये तीन मेरा कैमरा आपको दिखा रहा है, उतना तई बारिश का ये पानी है, ये बारिश का पानी है, ये बारिश होने भी बरस रही है। ओ ये तई आपको नज़र कैमरा दिखा रहा है, वो तई रोड पर बारिश का पानी है। ये
एक कच्ची ईटी हैं गिरी पड़ी हैं, ये तोड़ता को ये देहात के कच्चे मकान होते हैं और पक्के नहीं होते, ईंटों के नहीं होते, कच्ची मिट्टी के बने हुए होते हैं। ये काने के खिड़के होते हैं और दीवारें नहीं होती, ये बंदे गुजारा करते हैं। बराए मेहरबानी हमारी हेल्प कीजिए, हमारी इमदाद कीजिए, जितनी जितनी वीडियो हमारी शेयर पहुँचाइए, आपकी बराए मेहरबानी होगी। थैंक यू वेरी मच।